मक्खी ने काटा, कहाँ पे काटा? किडर स्वेटर मैंने उसके ले लाए जब हम परसों शॉपिंग करने गए थे, और ये सब अपने ले लाए। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं जस्ट अभी उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 10। तो मैं पहले सुबह उठ गई थी, जब बेटी स्कूल गई 6 बजे उठी थी मैं, और उसका टिफिन बना के उसको स्कूल भेज गई। फिर मैं दोबारा सो गई क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा, और फिर ना तो झाड़ू लगाने का मन करा ना कुछ, क्योंकि पूरा घर इतना खाली सा लग रहा है मेरे फौजी साहब के जाने से, और उदास सा लग रहा था। फिर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं रात में सो नहीं पाई क्योंकि 11:30 बजे तो वो गए। फिर उसके बाद ऐसी नींद नहीं आई, मुझे अजीब सा लग रहा था। और क्योंकि इस बार वो 45 डेज़ की छुट्टी आ रखे थे, तो एक लंबा टाइम रहे, तो पूरा घर मतलब 2-4 दिन तक तो बहुत ख़राब लगेगा ही। मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ रोटी बनाई थी बेटी के लिए। मैंने प्लेन पराठे बनाए थे उसके लिए, और उसको सॉस दे दिया मैंने क्योंकि ऐसा भी मन ही नहीं कर रहा था मेरा सुबह। तो हम लोग खाएंगे अभी चाय, रोटी और थोड़ा सा घी उसके साथ करेंगे। रात को हमने बाहर से खाना लाया था, भारी से। घर में हमने सिर्फ चावल बनाए, तो मैं सोच रहा हूँ ये जो नान लेके आए थे हम, तो वेस्ट क्यों करना भाई, पैसे में आ रही हैं चीज़ें, तो गर्म करके खा लेती हूँ इसी को घी के साथ, घी लगा के। और विवान तो खा रहा है रोटी जो मैंने सुबह बनाई, और मैं इसको खा लूँगी। मेरा बेटा बार बार बोल रहा, क्या बोल रहा बेटा तू बार बार? मैं मुझे पापा की याद आ रही है, ये भी अभी उठा सो। कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे पापा छुट्टी दोबारा तेरे बर्थडे में। धूप आज बहुत अच्छी आ रखी, वैसे भी 2-4 दिन से ना यहाँ धूप आ ही नहीं रही थी, हल्की सी थी, तो आज ठीक धूप है। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा 10 kg गेहूँ सुखा दूँ ताकि हम इसको पिसा लें। आटा भी कम ही रह रखा, तो मैंने कहा बाजार से खरीदने से अच्छा है, जब घर से आ गया मेरे मायके से राशन, तो मैं आज गेहूँ सुखा देती हूँ। को बोले चल पीटीएम है और ड्राइंग पे लगाया, चलो इधर तुम लोग चलो चलो। इसको ऐसे घर का ट्राउज़र, वैसे तो ड्रेस है, पर मैंने कहा ड्रेस कौन पहनाएगा इसको, तो चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अभी विवान के स्कूल, विवान का पीटीएम है और पापा होते उसके तो भी अटेंड कर लेते, पर चलो कोई बात नहीं, मैं ही जा रही हूँ, मैं ही अटेंड करने जा रही हूँ। और विवान भी बिल्कुल रेडी हो गया, तो बस अभी निकलते और जल्दी से आते हैं, फिर घर में बहुत सारे काम छूटे हुए उनको भी करेंगे, फिर चलें। चल जूते मैं पहली बार पहनूँ, एक बार मैंने शादी में पहने थे, पापा ने नए जूते दिलाए बीबू को, और हम भी पहन लेते भाई अपने शूज़। अब तो ठंड आ गई ना, तो शूज़ पहनने का मेरे को ये अच्छे लगते हैं कि सीधे पैर डालो, और बस बीबू को भी वैसे वाले शूज़ चाहिए थे, है ना। चलो छुट्टी क्या है, चलो आज थोड़ा सा धूप तो है अच्छी वाली, बहुत दिनों से धूप ही नहीं थी और ठंड सा हो रहा था, हल्की सी धूप थी, आज खूब तेज़ धूप है। 200 में से बीबू के नंबर आए 198 नंबर आए इसके, और देखो 5 मिनट में हम घर भी आ गए। हमारी रोड बिछने लग गई, आज रोड पे काम करने वाले आ गए, बोले पहले चाय पिलाओ उसके बाद रोड बिछाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तो मैंने कहा चलो भाई चाय तो क्या, एक नहीं 100 चाय पिला देंगे, लेकिन रोड बिछा के जाना आज, नहीं तो मत जाना। तो मजाक कर रही हूँ, पानी वाले आ रखे हैं, रोड का ही काम करने वाले आ रखे हैं, कह रहे चाय पिला दो, तो उनके लिए चाय बना देते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे काम भी हैं अभी। और ये बन गई भाई मेरी चाय, दे देते हैं उनको और कहते हैं कि भाई हमारी रोड अच्छे से बिछा लो वरना चाय नहीं पिलाएंगे आपको। परसों शॉपिंग करी थी, तो ये है, ये बच्चों के लिए सलवारें लाई थी, ये माही का है 2 सलवारें, एक टॉप गर्म ये बीबू के लिए, और एक स्वेटर अपने लिए लाई थी मैं, और एक मैं ये लोअर लाई जो मैंने आज पहन लिया धुल के, और कुछ मैं किसी के लिए लाई, मैं दिखाती हूँ अभी, किसी के लिए एक जैकेट और एक स्वेटर भी लेके आई हूँ। मैं बताती हूँ ये मैं किसके लिए लेके आई हूँ, ये मुझे देना है। और ये कुछ कुर्तियाँ हैं मेरी जो मैंने खरीदी लेकिन मैंने पहनी नहीं है कुर्तियाँ, तो मैं ये किसी को दे रही हूँ, देने के लिए रखे हुए हैं। तो जो मैंने किसी के लिए लाई ये भी देने के लिए है। उस दिन पहले आपने मेरे वीडियो में देखे थे जो एक वो अंकल जी थे जो वहाँ पे चौक पे चाय बना के पिलाते हैं लोगों के, तो उनकी नातिन है, तो मैंने उसके लिए लिया क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है, तो
तो मैं ऐसी बात कर रही थी उनकी बेटी से, अंकल जी की बेटी से, कि मेरे पास कुछ कुर्तियाँ मैं दे दूँ आपको, मैंने पहनी भी नहीं, तो उन्होंने कहा दे देना। तब तक उस बच्ची ने बोला, 13 साल की या 14 साल की होगी, बोला कि दीदी मेरे लिए भी प्लीज़ ड्रेस लेके आना। और वो ठंड से ठिठुर रही थी, मैंने कहा स्वेटर नहीं पहन सकती, है ही नहीं मेरे लिए, लेके आना मेरे लिए। तो फिर ये जैकेट और स्वेटर मैंने उसी के लिए लाया। मैंने कहा चलो बेचारे, ये कि अंकल जी की खुद 5 बच्चे हैं और एक नातिन हो गई, 6 बच्चे हैं पूरे। और वो नातिन, उनका जो बेटा था अंकल जी का, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया और बहुत ही वो मर गई, तो उस लड़की के माँ बाप नहीं है बेचारे के। तो उसके लिए मैंने ये स्पेशल नए खरीद के लाए, एक जैकेट और एक स्वेटर, मैंने कहा उसको दे दूँगी ताकि उसे ठंड ना लगे। जैकेट और स्वेटर मैंने उसके लिए लाए जब हम परसों शॉपिंग करने गए थे, और ये सब अपने लिए लाए। फाइनली रोड बिछने लग गई है, देखो और रोड का काम शुरू हो गया। उम्मीद तो है कि बिछेगी अब, क्योंकि हम वैसे भी 1.5 साल से बहुत इंतज़ार कर चुके हैं इस रोड बिछने का। तो ये बस फाइनल टच है, यहाँ पे पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, बस पाइप आ रखे हैं, बस हमारे घरों के लिए कनेक्शन है। वहीं पे रख दो भैया, मैं ले लूँगी, वहीं पे रख दो। चाय ठीक थी, मीठा ठीक था? और ये बन गई, अब गई हूँ छत पे ये दाल साफ करने के लिए। घर से जो गहत की दाल आई, इसमें ना बहुत पत्थर होते हैं इसी के कलर के, तो बस छानना है। कई बार टाइम नहीं रहता, फटाफट से दाल भिगोनी होती है तो इतना टाइम नहीं रहता छानने का। तो अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ दाल छान के डब्बों में रख देती हूँ। आ रही हूँ ATM से पैसे भी निकालने हैं और ये कपड़े भी दे के आने, और टाइम हो गया है 1:45, तो चलो चलती हूँ जल्दी से और काम निपटा के आते हैं। क्या हुआ, कहाँ पे काटा? इसको मधुमक्खी ने काट दिया घर के ही अंदर। रोना नहीं, अभी से हो जाएगा, देख मैं काटा निकाल दूँ। अरे नहीं काटा इतने जोर से, मधुमक्खी कहाँ से आई, वहाँ कहाँ से आई, घर के अंदर मधुमक्खी कैसे आ गई? रोना नहीं मेरे बच्चा, बस बस हो जाए। चल मैं, चल घी लगा देती हूँ। बेटा लेगा ही नहीं, तो मैंने इसको एक कपड़ा ऐसे गरम करके थोड़ा सा, बोलते नहीं जहर झाड़ दो तो घी से, ये गरम गरम से तो झाड़ दिया। अभी तो यहाँ पे दिन का खाना जो बनाया आज, अलग से जो भट होते हैं सोयाबीन, उनको भून के पीसा हमने, तो उसके हमारे यहाँ इसको फाना बोलते हैं, वो बनाई मैंने आज। तो देखते कैसे हो रहा, क्योंकि मैंने ये पहली बार बनाया और पहली बार ही मैं इसको खा रही होंगी। हमारे यहाँ कोल्थ का बनता है, दाल का बनता है, लेकिन उसका नहीं बनता है सोयाबीन का। लेकिन फिर भाई ने बोला कि उसका भी बनाते हैं, मैंने सुना है, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। आज आँखों में थोड़ा सा वो गिर गया, अब ठीक है, ऐसा रो रहा था एक मधुमक्खी काटने से। अरे यार क्या कमांडो बनेगा, क्या बनेगा कमांडो, मधुमक्खी काटने से रो रहा है भी, तो कमांडो कैसे बनेगा पता, वहाँ तो मधुमक्खी सांप कीड़े सब काटते हैं, खाने भी पड़ते हैं। मम्मी मैं अगली बार से जो मंदिर, ये है कुचाई यानी कि अरबी। तो हमारे यहाँ जब ये सर्दी, वैसे ये होती है सर्दियों, अब निकली है जैसे एक महीने पहले निकली है, तो हमारे यहाँ क्या करते थे, शाम की चाय के साथ हम लोग इसको उबालते थे चूल्हे पे और फिर चाय के साथ खाते थे। तो सेम मैंने आज वैसे ही करा है, चाय बनाई है और चाय के साथ ये कुचाई, अब हम ऐसे इसको छील के फिर खाएंगे। खाएगा भी वो, उस लड़की ने तो चाय सेकेंडों में पी ली उसने, और चाय कम दूध देती हूँ मैं, क्योंकि आजकल अदरक डालते तो थोड़े से अदरक की चाय, और उसके साथ बच्चों को ये देखो दूध ही दूध, और तो ये तो खा लेता है वो अंदर, वो नहीं खाती है, गरम है उसको छीलना है। खाएगा, खा लेता है, तो चलो जी हम भी खा लेते हैं ट्राई। बड़े प्यार से छिल रहा है, मैंने कहा मैं छिल दूँ, मैं नहीं, मैंने भी एक पीस निकाल ली और एक टुकड़ा इसका खा, और एक सिप। गुटके भी बनाते, इसके गुटके भी बहुत अच्छे बनते जैसे आलू के गुटके, चख्या का तड़का मार के, लेकिन ये इसको ऐसे खाने में स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं, पता है। बिबू ने भी खा रखे, लेकिन उसको पता नहीं है टेस्ट, अभी खाएगा दोबारा से तो फसा जल जाएगा। आज कुछ ट्राई कर रहे हैं पहली बार, भाई कह रहा है कि जो ये मटर के छिलके हैं इनकी भी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, कह रहा था कि उसने एक बार ज़रूर खाई, कोई फ्रेंड है उसने बना के लेके आया था जब वो कॉलेज में था, तो बहुत टेस्टी बनी। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। वैसे तो मैं मटर और गोभी तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन साथ में मैंने कहा इसको भी बना के देखते, तो देखते हैं आज इसकी सब्जी कैसी बनती है। तो फाइनली बना दी मैंने,
अभी टेस्ट का पता नहीं हमें कैसे बनेगी। ऐसा ना हो कि हमारा जो ग्रेवी है, प्याज टमाटर, इसमें जो मसाले पड़े हैं, तेल पड़ा है, वो वेस्ट ना हो जाए, अच्छी ना हो। तो मैंने एक और सब्ज़ी तो बनाई थी, आलू मटर और गोभी, और ये किए मटर के छिलकों के। तो देखते हैं कैसे बनते, मैं तो पहली बार देखूँगी। अच्छी बनी तो फिर दोबारा बनाई, नहीं बनी तो आज के बाद कभी नहीं बनाएंगे। तो दो सब्जियां बन रही है रात के खाने में। खाना खा लिया तो जो हमने सब्जी बनाई थी मटर के छिलकों की, उसका टेस्ट हल्का मीठा मीठा आ रहा था। जैसे आपने मीठे करेले देखे होंगे तो उसका टेस्ट कुछ ऐसा आ रहा था, और अच्छी लग रही थी। मतलब हम बना सकते हैं, इतनी बेकार नहीं बनी जैसे मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसी बनी होगी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो हम आगे भी बनाऊँगी मैं, और ज़रूर खाएँगी, तो बहुत अच्छी बनी थी।